हाय गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है होंडा एलिवेट। अब होंडा एलिवेट के साथ साथ मेरे साथ में ऋषभ भी है। ऋषभ कैसा है तू? पहले तो ये बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तू सुना, कैसी लगी गाड़ी तेरे को? गाड़ी इज गुड, मतलब ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा पोलराइजिंग ओपिनियन ही है मेरे, दूसरों को लेके भी, कि भाई किसी को पसंद आ सकती है किसी को नहीं, मुझे ठीक लग रही है। थोड़ा सा देखते हैं व्हीकल को, टेस्ट करते हैं। और आप हमारे सामने जो लगेज देख रहे हैं, विवेक का आइडिया ये है कि हम आपको एक लगेज टेस्ट करके दिखाएंगे। Correct. क्योंकि ऑफ कोर्स एक एसयूवी है, आप इसको फैमिली की तरह, यू नो, फैमिली के लिए घूमने फिरने के लिए यूज करने वाले हैं, तो सामान ले जाने वाले हैं। कितना ट्रिप पे इसको शायद ना लेके जाऊं, बड़ा ट्रिप पे जरूर जाऊंगा। तो एनीवे, ये जो लगेज है ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव लगेज है, मेरा है, कुछ उसका है, ऋषभ का। हम इससे टेस्ट कर रहे हैं। पहले तो सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पहले सेकंड रो, उसके बाद लगेज, या पहले लगेज टेस्ट करते हैं। पहले लगेज टेस्ट, टाइटल हमारी वीडियो का वही है, लेट्स जस्ट कीप द लगेज, फिर बैठते हैं। तो कौन सा ले रहे हो? तो बड़ा या छोटा? ये मैं अपना बैग ले जाता हूं ना। ठीक है, एक तुम ये पकड़ लो फिर। चल ऑलराइट, क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ इसी तरफ और देयर वी गो। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बूट जो है वो इस सेगमेंट में आने वाले सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है। और आप अगर इधर देखो तो 458 लीटर, हाँ 458 लीटर का बूट है। क्रेटा से ज़्यादा है ये, टाइगन से ज़्यादा है, कुशाक से ज़्यादा है, लगभग इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ उन सभी से ये ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है। अब बूट में स्टार्ट करेंगे डालने। ऑफकोर्स सबसे पहले बड़ा बैग, इसका सामान ज़्यादा होता है, मेरा छोटे बैग में ही आ गया। इसमें तो अभी भी बहुत सारी जगह है। जगह तो है यार, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में दो, एक अटैची तो आ सकती है यार। अगर हम थोड़ा मैनेजमेंट भी बेटर कर सकें, हम उस बैग के ऊपर उसको रख दें, साइड जैसे कर दें, तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत खेल है यहाँ पे, मुझे ऐसा दो तीन बैग और आराम से आ जाने चाहिए। करेक्ट। और अगर आप बैकपैक ले रहे हो तो बैकपैक तो और भी ज्यादा आ जाएंगे। और एक अटैची आप समझ सकते हो, या फिर एक केबिन बैग आप समझ सकते हो कि इधर आ जाएगा, बाकी ओवरफ्लोट तो आप चाहे इसको फिर हटा लो, तब कितना भी ओवरफ्लोट कर लो ऊपर तक, अनटिल अनलेस आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो एक इस वाले पोर्शन तक आप समझ सकते हो कि इसको ओवरफ्लोट कर सकते हो। तो बैग मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरीके की स्पेस की कमी मुझे लग रही है। ऋषभ क्या कहते हो? मेरे हिसाब से चार लोगों की फैमिली है, चार दिन का ट्रिप मिनिमम आराम से बनता है ये इस व्हीकल में, आराम से। वो भी अगर आप बहुत ज्यादा सामान लेके जाना पसंद करते हो तो। अगर सामान आप लिमिटेड लेके जाते हो, एक वही दो जीन्स तीन चार शर्ट लेके जाना चाहते हो, फिर तो बहुत ही सामान आ जाएगा इसमें। इतने लोग नहीं आएंगे जितने लोगों का सामान आ जाएगा। तो ये तो मुझे, अब लोग कितने आएंगे अंदर बैठे, रियर सीट अंदर भी चलते हैं। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, ये उसका पार्सल ट्रे ना, वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया गया है। छोटे मोटे सामान यहाँ पे पीछे, वॉलेट पर्स वगैरह रखना है ना, तो आप पीछे से जो है ना अपना हाथ यहाँ पे डाल सकते हो और आराम से जो है सामान वगैरह यहाँ पर भी रख सकते हो। सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं अभी सेकंड रो में। और यहाँ अगर आप देखोगे तो मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलोसफी अक्सर होंडा बोलती है, लेकिन जो सेकंड रो है ना उसके कंफर्ट में आपको शोल्डर रूम में थोड़ा सा लग सकता है कि तीसरा इंसान जो है वो थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक बैठेगा, कॉम्प्लेक्स होकर बैठेगा। मुझे लगता है लेग रूम या नी रूम के मामले में अमेजिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। व्हाट डू यू से ऋषभ? सीट्स की क्वालिटी मुझे जेन्युइनली काफी अच्छी लगी, बिकॉज जितना भी मटेरियल यूज किया गया, दैट फील्स प्रीमियम। इट्स नॉट जस्ट कि गाड़ी को प्रीमियम बोल दो और उसमें प्रीमियम कुछ होना। एलिवेट में एटलीस्ट ये है कि सीट्स की क्वालिटी इज रियली गुड, आर्मरेस्ट वगैरह सब बढ़िया मिल जाती है। बट अगेन दो तीन चीजें जो मुझे लगी बेटर हो सकती है, एक तो हेडरूम साइड्स पे आते आते बिल्कुल खत्म हो जाता है। माय हाइट इज 5'9" एंड दैट्स नॉट वेरी मच कि मैं बोलूंगा यार मेरा हेडरूम खत्म हो गया बिल्कुल। 6 फीट वाला तो ऐसे बैठेगा। तो यहाँ पर जो इवन अगर आमरेस देखोगे वो भी थोड़ी नीचे रखी, क्योंकि उनको पता है कि लोग थोड़ा सा स्लाइड करके ही बैठने लगे, बिकॉज अपराइट बैठेंगे तो ये। लेकिन एक चीज है कि ये जो आमरेस्ट है ये अब फ्री फॉलिंग नहीं है, स्टक होता है। पहले होंडा की गाड़ियों में फ्री फॉल होता था। तीसरे इंसान को बुलाते हैं और हमारे साथ में आज उज्जवल, उज्जवल से पूछेंगे। उज्जवल को भी, उज्जवल आई थिंक अच्छा सेंटर में तुम बैठ गए। चलो एनीवे, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरे शोल्डर बहुत ज्यादा रब हो रहे हैं यहाँ पे। और अगर 200-250 किलोमीटर चलना है, 300 किलोमीटर चलना है फॉर सम ट्रिप, तो मुझे लगता है अभी मुझे तो प्रॉब्लम होने वाली है। व्हाट डू यू से उज्जवल, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे अभी शोल्डर रूम को लेके क्या लग रहा है? भाई बिल्कुल सही बोला तुमने, शोल्डर रूम तो काफी टाइट है। बस हाँ ये कि शॉर्ट ट्रिप तो चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। बस हाँ ये कि अंडर थाई सपोर्ट वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, तो ओवर द रन काफी अच्छी गाड़ी है, लेकिन हाँ ठीक है। इससे ज्यादा और क्या ही बोले। चलिए अब जो बीच में बैठा है इंसान जिसके लिए मुश्किल है, उसके एक्सप्रेशन लेते हैं, अभी क्या फील हो रहा है? अभी दो तीन चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। टनल बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सोच रहा था ज्यादा होगी, तो उसका एटलीस्ट
उसके अंदर होंडा सिटी की तरह ग्रूव्स है दो पैसेंजर के लिए, इस वजह से क्या तेरे को लग रहा है कि अपराइट पोजीशन हो रही है? और मुझे कहीं ना कहीं थाइस पे वो चीज फील हो रही है, और अंडर थाइस सपोर्ट उसी वजह से खत्म भी हो गया मेरा, बिकॉज कहीं ना कहीं विड्थ जो है वो कम हो गई। और बट एक चीज मुझे जो अच्छी लगी इसमें, पीछे बैठ के ना लगता है कि आप किसी महंगी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैन कलर जो ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन दिया गया, स्क्रीन फ्लोटिंग आपको एक मिल जाती है, एंड देन अगेन आपको मतलब फ्रंट का जो पूरा लेआउट है ना, सेंटर वाले पर्सन आई थिंक ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, तो वो एक एडवांटेज मुझे यहाँ मिल रहा है। हाँ, इसमें ये एड ऑन मैं करना चाहूंगा कि जो होंडा के पार्ट शेयरिंग कंसेप्ट है ना, वो आपको बाहर की तरफ तो दिखाई देंगे लेकिन इंटीरियर्स में नहीं दिखाई देंगे। आपके पास में नया डैशबोर्ड है, नया सेंटर कंसोल है, नए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो हैं। हाँ, स्टीयरिंग रिमेन सेम, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिमेन सेम, वो होंडा सिटी से कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। WRV का नहीं है। करेक्ट करेक्ट, पुरानी नहीं है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, और ऋषभ और उज्जवल के साथ में कोलैब वीडियो आई है। आपको भी अगर ऐसा ही कंटेंट देखना तो जल्दी हम मिलेंगे। बाय द वे, एक और दोस्त हमारा है यहाँ पे जो आगे बैठा हुआ है, आगे इनके भी एक्सप्रेशन ले रहे थे। तुम्हें कैसा लग रहा है आगे बैठ के? आगे ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं कोई किसी भी गाड़ी में पीछे अच्छा नहीं लगता इसलिए इन लोगों ने मेरे को आगे बिठाया, बोले गाड़ी चलाओ ड्राइवर। चले गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।